नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से आज एनिमल स्पेशल लाई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप सी लैम्प्रे के बारे में जानते हैं? सी लैम्प्रे उत्तरी गोलार्ध का एक परजीवी लैम्प्रे है। इसे कभी कभी पिशाच मछली के रूप में जाना जाता है। सी लैम्प्रे में बिना जोड़े पंखों वाला ईल जैसा शरीर होता है। इसका मुंह जबड़ा रहित गोल और चूसने वाला होता है और चौड़ा या सिर से चौड़ा हो सकता है। नोकीले दांत कई लगातार गोलाकार पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। आँख के पीछे 7 शाखाएं या गिल जैसे छिद्र होते हैं। समुद्री लैम्प्रे शरीर के पृष्ठ और पार्श्व भाग पर जैतून या भूरे पीले रंग के होते हैं। कुछ काले मार्बलिंग के साथ पेट पर हल्के रंग के साथ। वयस्क 120 सेंटीमीटर तक की लंबाई और शरीर के वजन 2.3 किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं। यह उत्तरी और पश्चिमी अटलांटिक महासागर में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के तटों के साथ पश्चिमी भूमध्य सागर, काला सागर और ग्रेट लेक्स के तट पर एक आक्रामक प्रजाति के रूप में पाई जाती है। वे 4000 मीटर की गहराई पर के पाए गए हैं और 1 से 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन करते हैं। लैम्प्रे अपने सक्शन कप जैसे मुंह का उपयोग मछली की त्वचा से खुद को जोड़ने के लिए करता है। लैम्प्रे के मुंह में उत्पन्न एक तरल पदार्थ जिसे लैम्फ्रेडिन कहा जाता है, जो पीड़ित के रक्त को थक्का बनने से रोकता है। पीड़ित आमतौर पर अत्यधिक रक्त हानि या संक्रमण से मर जाता है। दूसरा, दोस्तों क्या आप बॉबी रूसा के बारे में जानते हैं? इसे हिरन सुअर भी कहा जाता है। यह सुलावेसी, टोगियान, सुला और बुरु के इंडोनेशियाई द्वीपों में पाए जाने वाले सुअर परिवार में एक जीनस वेविरोसा है। बेबीरोसा नर में लंबे ऊपरी दांत के लिए उल्लेखनीय है। नर बेबीरोसा के ऊपरी नोकीले वायुकोशीय प्रक्रिया से लंबवत निकलते हैं, त्वचा के माध्यम से प्रवेश करते हैं और चेहरे के सामने और माथे के पीछे की ओर मुड़ते हैं। निचले दांत भी ऊपर की ओर बढ़ते हैं। मादा को के दांत या तो कम हो जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं। नर बेबीरोसा अकेले रहते हैं, जबकि वयस्क मादा युवा समूह में पाई जा सकती है। बेबीरोसा के आहार में पत्ते, जड़े, फल और पशु शामिल है। तीसरा, दोस्तों क्या आप टूरिटॉप्सिस दोहरीन के बारे में जानते हैं? यह अमर जेलीफिश के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया भर में समशीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। अधिकांश अन्य हाइड्रोजोअन्स की तरह टी डोहरिन अपने जीवन की शुरुआत छोटे मुक्त तैराकी लार्वा के रूप में करते हैं, जिन्हें प्लेनुले के रूप में जाना जाता है। इनका मेडुसा घंटी के आकार का है, जिसका अधिकतम व्यास लगभग 4.5 मिलीमीटर है और यह जितना चौड़ा है उतना ही लंबा है। घंटी की दीवारों में मेसोग्लिया समान रूप से पतली होती है, सिवाय शीर्ष पर कुछ मोटी होने के। अपेक्षाकृत बड़ा पेट चमकदार लाल होता है और क्रॉस सेक्शन में एक क्रॉसिफॉर्म आकार का होता है। 1 मिलीमीटर व्यास के युवा नमूने में किनारे के साथ समान रूप से केवल 8 तंबू होते हैं, जबकि वयस्क नमूनों में 80 से 90 जाल होते हैं। टूरिटॉप्सिस दोहरीन में एक निचला जीवित पॉलिप रूप या हाइड्राइड होता है, जिसमें स्ट्रोलन होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ चलते हैं और पॉलिप्स खिलाते हैं जो मेडुसा कलियों का उत्पादन कर सकते हैं। ये पॉलिप्स कुछ दिनों बाद छोटे 1 मिलीमीटर मेडुसे में विकसित हो जाती है, जो मुक्त होते हैं और पेरेंट हाइड्राइड कॉलोनी से मुक्त तैरते हैं। टूरिटॉप्सिस दोहरीन एक मांसाहारी प्रजाति है, जो आमतौर पर जूप्लांकटन पर फीड करती है। उनके आहार में मुख्य रूप से प्लवक, मछली के अंडे और छोटे मोलस्क होते हैं। चौथा, दोस्तों क्या आपको पता है एक इलेक्ट्रिक ईल 600 वाट तक की बिजली पैदा कर सकता है? इलेक्ट्रिक ईल में 3 जोड़ी उदर अंग होते हैं जो बिजली पैदा करते हैं, मुख्य अंग, हंटर का अंग और सेक्स का अंग। ये अंग अपने शरीर का 4/5 हिस्सा बनाते हैं और इलेक्ट्रिक ईल को 2 प्रकार के इलेक्ट्रिक आर्गन डिस्चार्ज उत्पन्न करने की क्षमता देते हैं।
कम वोल्टेज और उच्च वोल्टेज ये अंग अंग इलेक्ट्रोसाइट से बने होते हैं ताकि आयनों की एक धारा उनके माध्यम से प्रवाहित हो सके और ढेर हो जाए ताकि हर एक संभावित अंतर में जुड़ जाए। जब ईल शिकार की पहचान करते हैं तो उनका मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के माध्यम से इलेक्ट्रोसाइट्स को संकेत भेजता है। यह आयन चैनल खोलता है जिससे सोडियम प्रभावित होता है, ध्रुवीयता को पल पल उलट देता है, विद्युत क्षमता में अचानक अंतर पैदा करके यह एक बैटरी के समान विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है जिसमें स्टैक प्लेट्स प्रत्येक विद्युतीय संभावित अंतर उत्पन्न करती है। यह ईल अपनी विद्युतीय क्षमताओं से अपने शिकार को भागने से रोक सकते हैं। पांचवा, दोस्तों, एक मछली को एक बार जीवित जीवाश्म करार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर 1938 में अप्रत्याशित रूप से जीवित और अच्छी तरह से पाए जाने से पहले 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर के साथ विलुप्त होने वाली एक चमत्कारिक मछली कोलेंकेन और भी अधिक आश्चर्य की पेशकश कर रही है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इन बड़े और निशाचर गहरे समुद्र में रहने वाले लोगों के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि वे पहले की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक उम्र का दावा करते हैं, लगभग एक सदी, और यह कि महिलाएं अपने बच्चे को, जो सबसे अधिक ज्ञात गर्भधारण है, 5 साल तक के लिए जा सकती है। यानी कि दोस्तों, ये अपने बच्चे को 5 साल तक अपने गर्भ में धारण करके रखती है। वैज्ञानिकों ने यह भी निर्धारित किया कि यह किसी भी मछली की सबसे धीमी गति से विकसित और बढ़ता है और लगभग 55 वर्ष तक यौन परिपक्वता तक नहीं पहुंचता है। कोलेकैंथस पहली बार डेवोनियन काल के दौरान लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 170 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर से पहले दिखाई दिए थे। जीवाश्म रिकॉर्ड के आधार पर माना जाता है कि वे बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के दौरान गायब हो गए थे, जिसने क्रेटेशियस अवधि के अंत में क्षुद्र ग्रह के हड़ताल के बाद पृथ्वी की लगभग 3/4 प्रजातियों का सफाया कर दिया था। यह समुद्र की गहराई में 800 मीटर की गहराई में रहते हैं। दिन के उजाले के दौरान वे अकेले या छोटे समूह में ज्वालामुखी गुफाओं में रहते हैं। मादाएं नर की तुलना में कुछ बड़ी होती है, लगभग 7 फीट और 110 किलोग्राम तक की वजन की होती है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।